अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ओपन योर बुक, बुक पेज नंबर 75। तो इसमें के व्हील्स ऑफ आ मूविंग व्हीकल्स हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। के हमारे पास जो मूविंग व्हीकल्स होते हैं उनके व्हील्स की वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखते हैं कि टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये एक है कि मोशन ऑफ व्हील्स अलॉन्ग रोड, के एक व्हील की मोशन जो है वो रोड के अलॉन्ग, और दूसरी ये रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस, और व्हील्स की रोटेशन होती है अपने एक्सिस के अराउंड। तो ये इस हमारे पास थे टू कंपोनेंट्स वेलोसिटी के। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर बेटा इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं ब्रेकिंग एंड स्किडिंग का, कि अगर हमारे पास कोई व्हीकल्स जो है वो मूव कर रही है, या फिर हम किसी व्हीकल्स मूव करती हुई व्हीकल्स को हमने रोकना है, तो उसके लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर तो हमारे पास रोड क्या है, स्लिपरी है, तो उसके लिए क्या होगा कि स्लिपरी रोड पर हमें पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। तो जब हम उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो गाड़ी के व्हीकल व्हील्स जो है वो रोल करने के बजाय क्या करेंगे, स्लिप कर जाएंगे। तो व्हीकल्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते, क्योंकि स्लिपरी रोड की वजह से वो क्या होते हैं कि व्हीकल्स जो है मूव नहीं कर सकते। तो अगर तो हम चाहते हैं कि वो व्हील्स जो है वो रोल करें, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी, जो कि उसको स्लिप करने से बचाएँ। तो ये इसको हम देखते हैं थोड़ा सा के मूव व्हीकल्स ऑन द रोड, के अगर हम कोई गाड़ी मूव कर रही है रोड के ऊपर, एज वेल स्टॉप अ मूविंग व्हीकल्स के, या फिर चलती हुई गाड़ी को हमने रोकना है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, बिटवीन टायर्स एंड रोड, टायर्स और रोड के दरमियान किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फ्रिक्शन की, अगर गाड़ी को चलाना है या चलती हुई गाड़ी को रोकना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास के एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि इफ़ रोड स्लिपरी, कहते हैं कि अगर तो हमारे पास रोड क्या है, स्लिपरी है, तो उसके लिए क्या होगा कि टायर क्या होंगे, स्लिप कर जाएंगे, रोल करने की बजाय क्या होंगे, स्लिप कर जाएंगे। बिटवीन टायर्स स्लिप कर जाएंगे इंस्टेड ऑफ रोलिंग स्लिप ओवर द रोड। उसके बाद है व्हीकल्स नॉट मूव व्हील्स, इससे क्या होगा कि वो स्लिप करेंगे तो व्हीकल्स जो है हमारी मूव नहीं कर सकेंगी, तो व्हील रोल करेंगे। तो उसके बाद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड मस्ट बी इनफ। तो अगर तो हमने किसी चीज़ को रोल करवाना है, तो रोल करवाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इनफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि उसको प्रिवेंट करवाए स्लिपिंग से। इसी तरह सिमिलरली स्टॉप अ कार, इस तरह अगर हमने किसी कार को क्लिक, जैसे आप जा रहे हो कहीं, तो आपने गाड़ी पर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप देखते हो कि सडन कोई चीज़ आगे आ जाती है, तो आप क्या करते हो कि ब्रेक अप्लाई करते हो। तो वो ब्रेक जो आप ब्रेक अप्लाई करने के लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, तो फिर ही वो रोड और टायर के दरमियान, तो फिर ही वो गाड़ी क्या करेगी, रुकेगी। तो आप देखते हो कि जब आप सडन बहुत ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करते हो, तो गाड़ी रुकने के बजाय थोड़ी सी क्या कर जाती है, स्किड कर जाती है। वो स्किड क्यों करती है उस, क्योंकि लार्ज मोमेंटम की वजह से वो क्या करती है, स्किड कर जाती है। और हम देखते हैं कि वो अपना डायरेक्शनल कंट्रोल क्या कर देती है, लॉस कर देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है ना वो आहिस्ता से, मतलब के ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए, ताकि हम इन हादसों से बच सकें। तो ये सारा जो है ना, ये फ्लो चार्ट जो है ना, ये इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि सिमिलरली स्टॉप अ कार लार्ज, अगर हमने किसी कार को रोकना है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत कहाँ होती है, बिटवीन टायर्स एंड रोड। तो बट देर इज़ अ लिमिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमें पता है कि हम एक लिमिट तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो इफ़ ब्रेक अप्लाई टू स्ट्रांगली, कहते हैं कि अगर हम ब्रेक अप्लाई कर दें व्हील्स कार के व्हील्स को बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा कि स्टार्ट टर्निंग कार स्किड, वो टर्न करने के बजाय क्या होगी, स्किड हो जाएगी, ड्यू टू लार्ज मोमेंटम, लार्ज मोमेंटम की वजह से। तो वो क्या होगा कि इसकी वजह से वो क्या होगा, अपने डायरेक्शनल कंट्रोल लॉस कर देगी, और एज अ रिजल्ट जो है ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इन एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमें ब्रेक जो है वो आहिस्ता से लगानी चाहिए, और इन हादसों से बच सकें। उसके बाद है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं कि हम जो पेपर के ऊपर राइट करते हैं वो किस वजह से करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से लिखते हैं। उस तरह बर्ड जो है वो फ्लाई करते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से फ्लाई करते हैं। उसकी तरह हम जो ज़मीन पर चलते हैं, वो भी इसी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हमारे जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो गाड़ियाँ, उनके टायर घिस जाते हैं, वो किसकी वजह से घिसते हैं, इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं। उसकी वजह से, उसके बाद
जैसे हमारे जो जूते हैं, जूते जो नीचे उनका सोल होता है वो भी घिस जाता है, वो किस वजह से घिसता है, फ्रिक्शन की वजह से घिस जाता है। उसकी तरह हमारी जो मशीनें हैं वो चल चल के घिस जाती हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से चाल चाल के घिसती हैं। तो ये सारे इसके क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को बेटा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास स्लाइडिंग सरफेसेस हैं, इनको क्या करें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, स्मूथ बनाएं, ताकि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या करें, कम कर सकें। हमें पता है कि स्लाइडिंग सरफेसेस में क्या होती है, वो कम होती है, फ्रिक्शन कम होती है। उसके बाद है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अ फिश शेप, कहते हैं कि जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसे हमारे पास है एरोप्लेन है, कार है, तो इन सब की जो है ना आगे से शेप क्या हो, वो हम फिश टाइप बनाएं, ताकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो। उसके बाद है कि जैसे हमारे पास स्लाइडिंग सर्फेसिस हैं, इनको लुब्रिकेंट या ऑयल या ग्रीस वगैरह दें मशीनों को। तो उसके बाद है यूज़ बॉल बेयरिंग बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये फोर मेथड है फ्रिक्शन को कम करने की। उसके बाद है हमारे पास है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा क्या है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक रस्सी लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, तो स्ट्रिंग के एक सिरे पे हम स्टोन बांध देते हैं और दूसरा सिरा जो है वो हम हाथ पे पकड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने हैंड के साथ उसको फोर्स प्रोवाइड करेंगे और फोर्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, उस बॉल को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएंगे। जब जैसे जैसे हम उस स्ट्रिंग को घुमाएंगे तो वो क्या होगा कि वो स्टोन क्या होगा, सर्कुलर पाथ में फ्लो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ की रिवॉल्व जो है वो मून उसके गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, कि सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये हमारे पास थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है कि स्ट्रिंग वाली के एक स्ट्रिंग लें, उसके एक एंड पे स्टोन बांध दें और दूसरा एंड जो है ना वो हैंड में पकड़ लें, तो बेटा ये आपने घर में अपने एक्सपेरिमेंट करना है कि आया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये नेक्स्ट है आपकी बेटा डायरी है कि आपने लर्न करना है बुक पेज नंबर 75 to 77 हाफ, मतलब कि हाफ ही वहाँ तक बांधा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन तक। और इसमें से आपने 3 MCQs बनाने हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।